वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्टूडेंट्स आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द पार्ट सेकेंड ऑफ सिटी इमेज आर्ट इफेक्ट्स अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिटी आर्ट इफेक्ट्स डिस्कस किए उसके बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी ली थी तो अगर आपको याद होगा मैंने सिटी आर्ट इफेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया था तो वो तीन कैटेगरीज क्या क्या हैं मैं यहां पे लिखूंगा वो फिर से आपको ताकि आपको रिकेपचुलेट हो जाए नंबर फर्स्ट मैंने बोला था फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स उसके बाद मैंने बोला था पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स एंड नंबर लास्ट आई टोल्ड स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स ठीक है हाँ तो चलिए गाइज अब हम क्या करेंगे आ, अब हमने आ, फिजिक्स बेसिड आर्टिफैक्ट्स अच्छे से डिस्कस किए जैसे इसमें बीम हार्डनिंग पार्शल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इफेक्ट फोटोन स्टारवेशन एंड फाइनली अंडर सैम्पलिंग आर्टिफैक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया तो पेशेंट बेसड में भी दो आते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स एंड मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स इसी तरह से सिकैनर बेसड आर्टिफैक्ट्स में और चार टाइप्स आते हैं इसके जैसे कि रिंग आर्टिफैक्ट्स, कोन बीम आर्ट इफेक्ट एंड जेबरा आर्ट इफेक्ट एंड ठीक सित है हाँ तो आज हम क्या लेंगे आज हम पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स सबसे पहले लेंगे ठीक है पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स में दो आर्टिफैक्ट्स आते हैं नंबर फर्स्ट इज मोशन आर्टिफैक्ट्स एंड नंबर सेकंड इज मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोशन आर्टिफैक्ट्स मोशन आर्टिफैक्ट्स देखिए गाइज अगर हम क्या करेंगे अगर हम Uh, कोई सीटी इमेजिंग प्रोसीजर करेंगे या कोई एक्विजिशन लेंगे तो अगर उस एक्विजिशन में या अगर उस स्कैनिंग प्रोसीजर में क्या हुआ कि पेशेंट ने मोशन की तो दैट वेरी पेशेंट मोशन हैज डिवास्टिंग डिटीरियोराइटिंग इफेक्ट्स ऑन द इमेज क्वालिटी तो मैंने बोला कि अगर हमने कोई एक्विजिशन लिया और उस एक्विजिशन में क्या हुआ कि पेशेंट ने मोशन की जूरिंग द एक्विजिशन तो से क्या होगा कि जो हमारी इमेज क्वालिटी होगी वो ग्रेटली डिग्रेड होगी ठीक है वो खराब होगी अब जो ये पेशेंट मोशन होता है तो पेशेंट मोशन से क्या बेसिकली होता है पेशेंट मोशन से मिस रजिस्ट्रेशन होती है डेटा की क्या होता है मिस रजिस्ट्रेशन होती है डेटा की तो जब मिस रजिस्ट्रेशन होती है डेटा की तो जो रिकॉनस्ट्रक्टेड इमेज है उसमें क्या दिखते हैं रजिस्ट्रेशन की वजह से रिकॉनस्ट्रक्टेड इमेज में सिट्रिक्स दिखते हैं या शेड्स दिखते हैं और इन ही आर्ट को हम बोलते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स ठीक है तो मोशन आर्टिफैक्ट्स कैसे आते हैं पेशेंट मोशन की वजह से तो पेशेंट मोशन की वजह से बेसिकली क्या होता है मिसरज्रेशन ऑफ द डेटा होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिकॉन्स्ट्रक्टेड इमेजेस होती हैं उनमें स्ट्रेक्स दिखते हैं शेड्स दिखते हैं और इन ही आर्ट को हम बोलते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स ठीक है हाँ आई होप गाइज कि ये आपको समझ आया होगा तो अगर आपको याद होगा कि जो पेशेंट मोशन होता है तो डिफरेंट तरीके से पेशेंट मोशन आ सकती हैं जैसे अगर हम देखेंगे रेस्पायरेशन से आ सकती है रेस्पायरेशन या ईसोफेगस में पेरस्टलिस होती है पेरेस्टाइलसिस से आ सकती हैं या जो हार्ट रेट या कार्डियक साइकिल होता है उसकी वजह से कार्डियक साइकिल की वजह से भी मोशन आ सकती है ठीक है अब अगर हम क्या करेंगे अगर हम कुछ करेक्शन मेजर्स यूज करेंगे करेक्शन टेक्निक्स यूज करेंगे तो इन मोशन आर्टिफैक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं या इलिमिनेट कर सकते हैं तो चलिए यहां पे हम कुछ करेक्शन टेक्निक्स देखेंगे ठीक है सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे यूज ऑफ पोजिशनिंग एड्स हम पोजिशनिंग एड्स यूज करेगी जो पेशेंट होता है पेशेंट के नीज के बिनीथ पेशेंट के नीज के बिनीथ नीचे हम क्या यूज करेंगे अगर हम पोजिशनिंग एड्स लाइक स्पॉन्जिस यूज करेंगे तो उसे क्या होगा कि पेशेंट मोशन ग्रेटली रिड्यूस होगी ठीक है दिस इज द नंबर फर्स्ट रेमेडी और करेक्शन मेजर फॉर मोशन आर्टिफैक्ट्स दैट इज द यूज ऑफ

इमोबलाइजेशन डिवाइस तो उसे क्या हो जाता है कि पेशेंट स्टेबल रहता है और जब पेशेंट स्टेबल रहता है तो पेशेंट मोशन के बहुत कम चांसेस होते हैं ठीक है हाँ थर्ड अगर हम देखेंगे तो थर्ड आप याद रखो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में अगर हमें सीटी स्कैनिंग प्रोसीजर्स करने होंगे तो पीडियाट्रिक पेशेंट कैन भी पीडियाट्रिक पेशेंट कैन भी इमोबलाइज बाई गिविंग द स्टैट्यूज हम उनको सिडाइट देते हैं यानी ऐसे ड्रग्स देते हैं जिनसे उनकी नींद पड़ जाती है ठीक है हाँ दीज आर पीडियाट्रिक पेशेंट्स उनमें हम क्या करते हैं सिडेट का यूज करते हैं तो चौथा आपको याद रखना है कि अगर हम क्या करेंगे अगर कार्डियक प्रोटोकॉल्स होगे, कार्डियक सीटी होगा कोरोनरी सीटी होगा तो कार्डियक प्रोटोकॉल्स में हम क्या करते हैं कार्डियक प्रोटोकॉल्स में हम फार्मेकोलॉजिक मेथड्स यूज करते हैं यहां पे हम फार्मेकोलॉजिक मेथड्स को यूज करते हैं यानी ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करते हैं पेशेंट की हार्ट रेट को लोअर करते हैं ठीक है पेशेंट की हार्ट रेट को लोअर करते हैं जैसे मेटाप्रोलॉल देते हैं हम यहां पर मेटाप्रोलॉल ठीक है हाँ इसी तरह से uh, अगर हम एबडामन और एबडामन और चेस्ट रीजन में एबडोम और चेस्ट रीजन में इमेजिंग करते हैं तो ये जो एबडामन और चेस्ट रीजन है इनमें बहुत खतरा रहता है किसका पेशेंट मोशन का ड्यू टू द इनवॉलेंट्री ड्यू टू द इनवॉलेंट्री मोशन ड्यू टू द इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस लाइक रेस्पेरेशन पेरेस्टाइलसिस तो यहां पे हमें क्या करना होगा एबडामन और चेस्ट रीजन में हमें कम टाइम में एक्विजिशन ले लेनी पड़ेगी ठीक है हाँ सो यहां पे आर्टिफैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का यूज करना होगा हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का यूज करना होगा हमें ठीक है ताकि ये जो पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट्स हैं ये रिड्यूस हो जाए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोशन आर्टिफैक्ट्स फर्स्ट पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट गाइस आई होप दैट मोशन आर्टिफैक्ट्स आपको क्लियर हुआ होगा तो इसके बाद हम दूसरा आर्टिफैक्ट देखेंगे पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट दैट इज मैटेलिक आर्टिफैक्ट ठीक है हा तो चलिए अब हम मैटेलिक आर्ट इफेक्ट देखेंगे तो चलिए अब हम सेकंड पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट देखिए गाइस अगर हम बात करेंगे ना सीटी स्कैनिंग की सीटी स्कैनिंग में हम एक बेसिक एजेंप्शन लेते हैं और वो बेसिक एजेंप्शन क्या है कि जूरिंग द स्कैनिंग एट एवरी पोजिशन एट एवरी पोजिशन एट एवरी पोजिशन एवरी डिटेक्टर शुड ऑब्जर्व सम्रांसमिटेड रेडिएशन यानी सिंग में हम एक बेसिक एक्सम्पन लेते हैं कि जो डिटेक्टर्स होते हैं हर किसी पोजिशन पे हर किसी पोजिशन पे डिटेक्टर्स कुछ ना कुछ पेशेंट से कुछ ना कुछ ट्रांसमिटेड रेडिएशन ऑब्जर्व करने चाहिए तब जाके रिकॉन्स्ट्रक्शन होगी तब जाके हमारी फाइनल इमेज प्रोड्यूस होगी लेकिन अगर आपको याद होगा जो ह्यूमन बॉडी है कैल्शियम होता, होता, होता है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है मैंने हॉर्नसफी यूनिट्स में पढ़ाया है कि व्हाइट दिखता है इसी इमेज में ठीक है हा तो यानी जब जब बून पे एक्सरेज पड़ेगे सीटी स्कैनिंग में तो यहां पे कुछ ना कुछ कुछ परसेंट अगर चाहिए डेंसियस्ट हैं लेकिन कुछ परसेंट डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे ताकि ये वाइड दिखे लेकिन अब क्या होगा फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट में क्या है कि मेटेलिक कुछ मेटल मेटल है इसमें कुछ मेटल इम्प्लांट है उसमें ठीक है मेटेलिक ऑब्जेक्ट है पेशेंट की बॉडी में लेकिन जो मेटल होता है ना मेटल की डेंसिटी वेरी लार्ज देन दिस कैल्शियम और बून तो क्या जब एक्सरेज इस मेटल पर पड़ेगे तो क्या वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं क्योंकि यहां पर जो कैल्शियम था इससे लेस डेंसियस ये कुछ परसेंट जीरो पॉइंट कुछ परसेंट डिटेक्ट uh, करता है लेकिन जो मेटल है इट इज मोर डेंस दैन द कैल्शियम और बून तो यह डिटेक्ट नहीं करेगा तो यहां पे क्या हुआ कि जो बेसिक एज्शन थी कि हर किसी पोजीशन पे हर कोई डिटेक्टर कुछ ना कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए लेकिन इस केस में जिसमें जिस केस में पेशेंट में मेटेलिक ऑब्जेक्ट था तो इसमें क्या हुआ कि वो एज्शन वायलेट हुई तो ये जो एजें्पन वायलेट हुई ना इट विल नॉट अकाउंट फॉर द रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस जो रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस होगी तो वो इसको अकाउंट नहीं करेगा क्योंकि ट्रांसमिटेड रेडिएशन ही नहीं पहुंची इधर बेसिक एजेंप्शन तो फेल हुई सो आर्ट इफेक्ट्स एपियर हेयर ड्यू टू दिस मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड दीज आर्ट इफेक्ट्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक आर्ट इफेक्ट्स दीज आर कॉल्ड एज मेटेलिक आर्ट इफेक्ट्स ठीक है आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा नाउ अगर हम देखेंगे कि मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं देखिए सबसे पहली रेमेडी सबसे पहला करेक्शन मेजर क्या होगा यहां पे कि जो पेशेंट होगा पेशेंट शुड बी आस्कड टू रिमूव ऑल हिज और हर ज्वेलरी बिफोर द स्कैनिंग प्रोसीजर ठीक है हाँ तो सबसे पहला कि जो ज्वेलरी होगी उसको बिफोर द स्कैनिंग प्रोसीजर रिमूव करना होगा ठीक है हां तो दूसरा मेजर क्या दूसरा करेक्शन टेक्निक क्या होगा यहां पे? देखिए अगर किसी पेशेंट में क्या होगा अब कोई मेटल होगा कोई मेटेलिक इंप्लांट होगा लेकिन दैट इज नॉन रिमूवेबल उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं नॉन रिमूवेबल ठीक है जैसे जैसे डेंटल इंप्लांट्स होंगे जैसे डेंटल इंप्लांट होंगे जैसे सर्जिकल क्लिप्स होगी सर्जिकल क्लिप्स होंगी या स्टेंट्स एट्सिट्रा होगी तो ये जो नॉन रिमूवेबल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उन हालात में अगर पॉसिबल होगा तो हम क्या करते हैं हम गेंट्री को एंगुलेट करते हैं हम गेंट्री को ऐसी एंगुलेशन देते हैं और इस मेटेलिक इम्प्लांट को एक्सक्लूड करते हैं ताकि आर्टिफैक्ट्स ना आ जाए हमारी फाइनल इमेज पे ठीक है आई होप गाइस कि यह भी आपको समझ आया होगा ठीक है हाँ इसमें हम एक और करेक्शन मेजर देख सकते हैं कि अगर हम केवीपी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज केवीपी करने से भी क्या हो सकता है कि इनको पेनिट्रेशन पावर एक्सरेज को ज्यादा मिलेगा दे कैन पेनिट्रेट ठीक है दीज आर सम करेक्शन टेक्निक्स फॉर मेटेलिक आर्ट इफेक्ट गाइज आई होप दैट कि ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ठीक है हाँ दीज आर पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स उसके बाद मैंने सबसे लास्ट पढ़ाया था सबसे लास्ट में स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स या इक्विपमेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स अगर आपको याद होगा मैंने इसमें चार पढ़ाए थे चार बोले थे नंबर फर्स्ट रिंग आर्टिफैक्ट्स रिंग आर्टिफैक्ट्स उसके बाद कून बीम आर्टिफैक्ट्स उसके बाद जेबरा आर्टिफैक्ट्स उसके बाद सिटियर स्टेप आर्टिफैक्ट्स सिटीअर सिटअप आर्टिफैक्ट्स ठीक है हां देखिए कुछ बुक्स स्कैनर बेसर में सिर्फ रिंग आर्टिफैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं और ये जो तीन है ना कून बीम जेब्रा एंड आर्टिफैक्ट्स इनको एक अलग कैटेगरी बनाते हैं हेलिकल हेलिकल स्कैनिंग स्कैनिंग आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स ठीक है हाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो रिंग आर्टिफैक्ट्स को स्कैनर बेसर में डाल सकते हो और हेलिकल स्कैनिंग आर्ट चौथा लिख सकते हो उसमें ये तीन डाल सकते हो या अगर कोई ऐसे ही फॉलो करेगा तो बेस्ट वेल एंड गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तीन जो है ना हेलिकल स्कैनिंग जो हेलिकल स्कैनर है उसकी प्रॉब्लम्स हैं उससे ये आर्टिफैक्ट्स आते हैं तो डीज कैन बी पुट इन टू द स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स नो इश्यू ठीक है अब हम इन स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेगी ठीक है हाँ स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स में हम सबसे पहला जो आर्टिफैक्ट यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज रिंग आर्टिफैक्ट्स रिंग आर्टिफैक्ट्स का ओवरव्यू मैंने थोड़ा सा दिया था किसमें थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स में आप प्लेलिस्ट्स में जाके सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी के प्ले लिस्ट में थर्ड जनरेशन सी टी स्कैनर्स पढ़ सकते हो और उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था किसके रिलेटेड रिंग आर्ट इफेक्ट्स के रिलेटेड ठीक है हाँ तो अगर आपको uh, याद होगा uh, मैंने बोला था कि जो रिंग आर्ट इफेक्ट्स होते हैं सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है कि जो रिंग आर्ट इफेक्ट्स हैं दीज आर दैक्टरिस्टिक फीचर्स और दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स क्या थे दे वायर रोटेट रोटेट दे वायर रोटेट रोटेट तो थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स में रिंग आर्ट इफेक्ट की प्रॉब्लम आती थी बेसिकली इन स्कैनर्स में क्या होता था कि इन स्कैनर्स में एक डिटेक्टर एक डिटेक्टर क्या हो जाता था फॉल्टी अगर वो फॉल्टी बन जाता था या आउट ऑफ कैलिब्रेशन आ जाता था तो उससे क्या हो जाता था कि जो हमारी सीटी इमेज थी सीटी इमेज फॉर एग्जांपल ब्रेन की ही ले गए हम तो उसमें क्या आते थे उसमें रिंग आती थी रिंग जैसी ये रिंग जैसा आर्टिफैक्ट दिखता था एंड दैट वेरी रिंग लाइक आर्ट इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिंग आर्ट इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको रिंग आर्ट इफेक्ट एंड दिज रिंग दीज रिंग आर्ट इफेक्ट दे कैन बी मिस डायगनोसर विद ए डिजीज ठीक है हां तो मैं फिर से रिपीट करूंगा मैंने बोला कि जो रिंग आर्टिफैक्ट्स हैं दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स विच वायर ओबियसली रोटेट रोटेट स्कैनर्स ठीक है या रोटेट रोटेट सिस्टम इनमें क्या हो जाता था कि इनकरेक्ट डेटा एपियर होता था हमारी इमेज पे इन द ऑफ रिंग एक रिंग की सूरत में एंड दैट रिंग कैन बी मिस डायग्नोसड विद डिजीज ठीक है हर एक प्रोजेक्शन में ये रिंग आती थी तो दैट कैन बी मिस डायग्नोस विथ ए डिजीज एंड दिस आर्टिफैक्ट इज कॉल्ड एज रिंग आर्टिफैक्ट ठीक है हां तो आपने सुना होगा कि जो मॉडर्न स्कैनर्स होते हैं उनमें सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज होते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज होते हैं और जो कन्वेंशनल स्कैनर्स थे उनमें जीनॉन गैस डिटेक्टर्स यूज होते थे देखिए जो ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स है ना इनमें ज्यादा खतरा होता है किसका रिंग आर्टिफैक्ट्स का क्योंकि ये क्या होते हैं ये डिस्क्रीट होते हैं अलग अलग होते हैं तो इनमें क्या होता है इन ये अलग अलग चैम्बर्स होते हैं तो इनमें खतरा होता है ज्यादा जिसका रिंग आर्ट इफेक्ट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में लेकिन अगर हम जीनॉन गैस की बात करें कि जीनॉन गैस डिटेक्टर्स की ये एक सिंगल चैम्बर होता है गैस चैम्बर होता है तो इसमें रिंग uh, आर्टिफैक्ट्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं ठीक है हां तो अब आपका सवाल होगा कि सर uh, अगर हम मॉडर्न स्कैनर्स में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज करते हैं तो फिर वहां पे रिंग आर्टिफैक्ट्स आते होंगे लेकिन इसका जवाब है करेक्शन uh, टेक्निक्स में ठीक है हम वहां पे करेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं सो so, यहां पे हम अब रिंग आर्टिफैक्ट्स के लिए करेक्शन टेक्निक्स देखेंगे करेक्शन टेक्निक्स देखिए सबसे पहली जो करेक्शन टेक्निक है यहां पे, कि जो बैड डिटेक्टर था जो फॉल्टी डिटेक्टर था या हम बोलेंगे कि जो आउट ऑफ कैलिब्रेटेड डिटेक्टर था पहले उसको लोकेट किया जाता है। इसमें पहले उसको लोकेट किया जाता था लोकेट किया जाता था और उसके बाद रिकैलिब्रेट किया जाता था क्या किया जाता था रिकैलिब्रेट किया जाता था ठीक है हां तो दूसरा यहां पे कि यहां पे एक करेक्शन सॉफ्टवेयर भी यूज होता है करेक्शन सॉफ्टवेयर मॉडर्न स्कैनर्स में ये करेक्शन सॉफ्टवेयर यूज होता है तभी इसमें रिंग आर्ट नहीं आते हैं तो उस करेक्शन सॉफ्टवेयर का नाम है बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर क्या नाम है उसका बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर वो जो बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है वो हर एक एक्विजिशन में ड्यूरिंग द एक्विजिशन वो रा डेटा को आ, करेक्ट करता है क्या करता है करेक्ट करता है या हम बोलेंगे कि ये जो बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है ये डिटेक्टर वेरिएशन को अगर डिटेक्टर वेरिएशन आ जाए तो उनको ये करेक्टराइज करता है और उसके बाद करेक्ट करता है कौन करेक्शन सॉफ्टवेयर और बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर दिस इज ऑल अबाउट रिंग आर्ट ठीक है तो इसके बाद हम दूसरा स्कैनर बेसड आर्टिफैक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज कोन बीम आर्टिफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट दैट इज कोन बीम आर्टिफैक्ट कोन बीम आर्टिफैक्ट कौन सा है कोन बीम आर्टिफैक्ट ठीक है हाँ तो अब अगर हम कोन बीम आर्टिफैक्ट की बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि जो कोन बीम आर्टिफैक्ट है इट इज सीन इन इट इज सीन इन मल्टी डिटेक्टर मल्टी डिटेक्टर रो सिटी स्कैनर्स यानी ये किन में देखा जाता है ये देखा जाता है मल्टी डिटेक्टर रो सिटी स्कैनर्स अगर हम कन्वेंशनल सिटी स्कैनर्स की बात करेंगे तो कन्वेंशनल सिटी स्कैनर्स में क्या होता था कि सिंगल रो ऑफ डिटेक्टर्स यूज होता था सिंगल रो ऑफ डिटेक्टर्स यूज होता था लेकिन अब अगर हम आजकल के स्कैनर्स को देखेंगे देखिए मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर्स यूज होते हैं क्या होते हैं मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर्स यूज होते हैं तो अब ओबली सी बात है कि जब आजकल के स्कैनर्स में क्या होता है मॉडर्न uh, स्कैनर्स में मोर डिटेक्टर एरेज यूज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ सेक्शन इंक्रीज होगी उससे क्या होगा कि डिवाइडर कॉलिमेशन इज रिक्वायर्ड यहां पे हमें बहुत ज्यादा कॉलिमेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है हां तो देखिए यहां पे क्या होता है अगर हम यहां पे एक्सरे ट्यूब लेगी यहां पे भी एक्सरे ट्यूब लेगी तो बेसिकली यहां पे क्या होगा देखिए देखिए क्या होगा यहां पे यह यहां पे इतनी इतनी बनेगी बीम विडित क्या बनेगी बीम विडथ लेकिन अगर हम यही देखेंगे मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैनर्स में ठीक है रो मल्टी डिटेक्टर रो सीटी स्कैनर्स में देखिए क्या होगा यहां ये यहां ये यहाँ, तो ये यहां और यहां से आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इतनी बीम विडथ बढ़ जाती है इतनी बीम विड़त बन जाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहां पे यहां पे जो बीम थी तो वो फैन शेप्ड ही थी क्या थी फैन शेप्ड ही थी लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे मल्टी डिटेक्टर रो सी टी स्कैनर में देखेंगे तो जो हमारी एक्सरे बीम है इट बिकम्स कून शेपड इट बिकम्स फैन शेपड तो क्या होता है मल्टी डिटेक्टर रो सीटी क्या होता है उसकी वजह से क्या होगा कि इनस्टिड ऑफ कलेक्टिंग द्लैट प्लान तो क्या होता है कि uh, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो डेटा है वो एक फ्लैट प्लान जैसे Flat पे acquire होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे जो data होता है, बिटवीन दिस टू है, है, है? हा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कौन एंगल डायमेंशन है तो कौन एंगल डायमेंशन में क्या होता है कि कौन एंगल डायमेंशन में अंडर सैंपलिंग होती है डेटा की क्या होती है अंडर सैंपलिंग होती है डेटा की विच लीड्स टू कॉल्ड एज कून बीम आर्टिफैक्ट्स मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हम यूज करते हैं तो जो यहां पे बीम है एक्सरे बीम इट बिकम्स कोन शेप्ड रादर देन फैन शेप्ड तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें डेटा था ये एक फ्लैट प्लेन पे मिलना चाहिए था लेकिन यहां पे क्या दिखता है ये कैसे एक्वायर होता है कि जैसे बिटवीन द टू को बिटवीन द टू वॉल्यूम्स वोल्यूम होता है एंड uh, यहां पे क्या होता है उसकी वजह से कि जो कोन एंगल डायमेंशन होता है उसमें डेटा की अंडर सैंपलिंग हो जाती है विच लीड्स टू द इफेक्ट कॉल्ड एज कून बीम आर्ट क्या बोलते हैं कौन बीम आर्ट देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे फोर सेक्शन स्कैनर्स की फोर सेक्शन स्कैनर्स की या हम करेंगे बात सेक्शन स्कैनर्स की यानी सिक्सटीन रो और फोर रो तो ज्यादा आर्ट इफेक्ट किस में होगी सिक्सटीन सेक्शन में जिसमें ज्यादा रोज होगी क्योंकि इसमें कौन शेप्ड बीम ज्यादा बनेगी ठीक है हां देखिए अब अब जो हमारा कौन बीम आर्ट इफेक्ट है इसके लिए हम कौन सा करेक्शन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसमें एक करेक्शन सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज कून बीम सॉफ्टवेयर या कोन बीम रिकॉन्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर तो जो हमारे स्टैंडर्ड रिकॉन्स्ट्रक्शन टेक्निक्स होते हैं उनके बजाय यहां पे हम कौन बीम रिकॉन्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस होते हैं लिमिट होते हैं ठीक है आई होप गाइज कि जो कौन बीम आर्टिफैक्ट था आपने अच्छे से समझा होगा ये दूसरा था तो आ... सो नाउ गाइज लेट्स मूव टू द थर्ड स्कैनर बेस्ड आर्ट इफेक्ट दैट इज जेब्रा आर्ट इफेक्ट्स तो अब हम जेब्रा आर्ट इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे ठीक है हाथ थर्ड जेब्रा आर्ट इफेक्ट्स जेब्रा artifacts सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है वो ये है कि जो जेब्रा आर्टिफ़ैक्ट्स हैं तो ये पोस्ट टे प्रोसेसिंग टेक्निक में आते हैं जब हम हेलिकल स्कैनिंग हेलिकल स्कैनिंग में या हेलिकल सीटी में पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं इमेज की वहां पे हम एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज मल्टीप्लेनर थ्री डी रिफॉर्मेशन तो वो जो मल्टी प्लानर थ्री डी रिफॉर्मेटेड इमेज हैं जो कि हमने हेलिकल डेटा से लिए या हेलिकल स्कैनिंग से लिए तो ये जो जेबरा आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें ही दिखते हैं ठीक है बेसिकली क्या होता है कि जो हेलिकल सिटी होता है हेलिकल सिटी में क्या होता है हेलिकल सिटी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन तो इंशाला हेलिकल स्कैनिंग में पढ़ा होगा इंटरपोलेशन बेसिकली ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस होती है जिसे क्या आ, किया जाता है इमेजेस को एवरेज किया जाता है या स्मूथ किया जाता है लेकिन ऐसे इमेजेस को जिनमें पिक्सल इनक्रीज होते हैं ठीक है हाँ तो ये जो इंटरपोलेशन होती है डेटा में तो इसे क्या हो जाता है कि अलॉन्ग दलोंग द जेड एक्सीज नॉइज इन होमोजेनिटी आती है क्या आती है नॉइज इन होमोजिनिटी तो इस नॉइज इन होमोजिनिटी जो कि जड़ एक्सीज की तरफ आते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इमेज पे फैंट सिट्रिप्स आते हैं हमारी इमेज पे फैंट सिट्रिप्स दिखते हैं यानी ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट जैसे जेबरा पे होते हैं ब्लैक व्हाइट फेंट्स ब्लैक व्हाइट सिट्रिप्स तो वो जो ब्लैक व्हाइट सिट्रिप्स होती हैं पैचेस होती हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं जेबरा आर्टिफैक्ट्स क्या बोलते हैं जेबरा आर्टिफैक्ट्स ठीक है हाँ देखिए अगर हम एग्जाम्पल इसकी लेके तो जब हम ब्रेन इमेजिन करते हैं न, हेलिकल सिटी पे ब्रेन इमेजिन तो क्या होता है कि जो जो सेलर सिर बिलर सलकई होते हैं सिर बिलर सलकई में क्या दिखता है ड्यू टू द जेबरा आर्ट इफेक्ट दिखते हैं ड्यू टू द जेबरा आर्ट इफेक्ट दिखते हैं ठीक है हाँ तो ये था जेब्रा आर्टिफैक्ट्स इसके बाद हम नंबर लास्ट स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज सिटेयर सिटअप आर्ट इफेक्ट सिटीयर स्टेप आर्ट इफेक्ट ठीक है हाँ नंबर लास्ट इज सिटियर सिटअप आर्ट इफेक्ट सिटीयर स्टेप आर्ट इफेक्ट ठीक है हाँ नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको सिटियर सेटअप आर्टिफैक्ट्स में याद क्या रखना है कि जो सिटियर सेटअप आर्टिफैक्ट्स होते हैं दे आर सीन अराउंड द एजेस ऑफ अराउंड द एजेस ऑफ सैज एंड कोरोनल मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेटेड थ्री डी इमेजेस ऑफ सिट्रेट स्ट्रक्चर्स सिट्रेट स्ट्रक्चर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोला कि जो सिटेयर इफेक्ट हैं ये कहाँ पे दिखते हैं ये यह हमेंट स्ट्रक्चर पे दिखते हैं जब हम उनकी सेजेटल और कोरोनल एम पी आर इमेज क्रिएट करते हैं ठीक है बेसिकली सिट्रेट स्ट्रेट हैं हैंज कैन बी लाइक द ब्लड वैसलैसल तो कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स पेशेंट टेबल जो मूवमेंट ऑफ द पेशेंट टेबल हैं उसके ओब्लिग में आ जाए लेकिन आई सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट टेबल तो ये वैसल्स सी ओब्लिगली आ जाए वैसल की हमें इमेजिंग करनी होगी तो जब हम इन आ, की जो कि की पेशेंट टेबल के मूवमेंट के ओब्लीगली आए तो अगर हम उनके एजेस देखेंगे फिर यानी एम पी आर बनाएगी तो उनके एजेस पे हमें आर्टिफैक्ट देखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं सिटीअर सेटअप आर्टिफैक्ट्स क्या बोलते हैं ठीक है हाँ बेसिकली ये कब दिखते हैं ज्यादातर जब हम वाइडर कॉलिमेशन वाइडर कॉलिमेशन यूज करते हैं क्या करते हैं वाइडर कॉलीमेशन यूज करते हैं या नॉन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग रिकॉन्स्ट्रक्शनज बेसिकली अगर हम देखेंगे हेलिकल सिटी में नॉन ओवरलैपिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन होते हैं तो अगर हम नॉन रिकॉन्स्ट ओवरलैपिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन रिकॉन्स्ट्रक्शन इंटरवल यूज करेंगे या वाइडर कॉलिमेशन यूज करेंगे तो दीज आर्ट इफेक्ट आर प्रोनाउंसड और इनको हम क्या बोलते हैं सिटर स्ट इफेक्ट ठीक है हा तो बेसिकली अगर हम देखेंगे जूरिंग द दे, कोरोनरी एंजियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ये ज़्यादातर दिखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो कार्डियक फेजेस होते हैं तो उनको बेसिकली यहाँ पे सिटअप वाइज रिकॉन्स्ट्रक्शन की जाती हैं इस कोरोनरी एंजियोग्राफी में कार्डियक फेजेस की सिटअप वाइज रिकॉन्स्ट्रक्शन की जाती है ठीक है, है? हाँ क्योंकि हार्ट रेट वेरिए उसमें वेरिएशन आती है या हार्ट रेट इरेगुलर होती है तो उसकी वजह से जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कार्डिये के तो उनको ओवरलैप किया जाता है और उसकी वजह से कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक आर्ट इफेक्ट दिखने को मिलता है दैट इज दिटियर स्टेप आर्ट इफेक्ट दैट इज दिटियर स्टेप आर्ट इफेक्ट ठीक है हां तो अब अगर हम किसकी बात करेंगे अगर हम करेक्शन टेक्निक की बात करेगी तो यहां पे सबसे पहली करेक्शन मैंने पहले भी बोला कि वाइडर कॉलिमेशन से सिटियर स्टेप आर्ट दिखते हैं सो वी हैव टू यूज स्मॉलर कॉलीमेशन वी हैव टू यूज स्मॉलर कॉलीमेशन दिस इज नंबर फर्स्ट ठीक है हाँ सेकंड क्या है सेकंड ये कैसे आते हैं नॉन ओवरलैपिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन इंटरवल जब होते हैं तो उनमें क्या होता है सिटियर स्टेप आर्ट दिखते हैं सो वी हैव टू यूज Overlapping reconstruction. So we have to use overlapping reconstruction in helical CT. We have to use overlapping reconstruction in uh, helical CT. थर्ड है कि कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादातर किस में होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी में ही दिखते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स जब यूज करेंगे तो हार्ट रेट कम होगी तो इस तरह से क्या होगा uh, कि स्टेयर स्टेप आर्ट रिमूव हो सकते हैं ये कुछ बुक्स दिखते हैं बीटा ब्लॉकर्स बट दीज टू आर द मेन करेक्शन टेक्निक्स दैट इज स्मॉलर कॉलिमेशन एंड ंग रिकॉन्स्ट्रक्शन इन हेलिकल सिटी गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट सिटी इमेज आर्ट इफेक्ट्स अगर किसी को कोई डाउट होगा कोई uh, क्वायरी होगी तो वो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना बाकी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स uh, को भी हेल्प हो जाए फी अमान